नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर, में हूँ आकाश। जी हाँ, नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की खास रिपोर्ट में आज बात होगी क्रिसमस डे की। ये तो आप जानते ही हैं कि 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस डे मनाया जाता है। बड़े ही धूमधाम से इस दिन क्रिश्चियन लोग बहुत ज़्यादा त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं और इसकी मान्यता भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये तो आप जानते ही होंगे कि बच्चे भी इस दिन को काफ़ी अच्छे से बहुत धूमधाम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वहीं ये भी बता दें कि इस दिन सेंटा क्लॉज का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है और माना जाता है कि बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज उनके माँ बाप या कोई अन्य होते हैं। लेकिन आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि इस क्रिसमस यानी कि आप 25 दिसंबर को अपने बच्चों के सेंटा ना बनकर आप गरीब लोगों के भी सेंटा बन सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप इस क्रिसमस कुछ आसान उपाय करके भी काफ़ी ज़्यादा करोड़पति बन सकते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आ सकती हैं। हर छोटी छोटी खुशी को आप अपने जीवन में अगर एंजॉय करेंगे तो आपको लाभ भी ज़रूर होगा, साथ ही ऐसा काम करने से माँ लक्ष्मी भी आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। तो चलिए आपको बिना देरी के अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में बताते हैं आखिर कौन से हैं वो उपाय जो आप क्रिसमस डे यानी कि 25 दिसंबर के दिन कर सकते हैं। आप सर्दी के मौसम में गरीब बच्चों के लिए कंबल बांट सकते हैं। इस दौरान आप अगर बच्चों को, जो गरीब लोग हैं, उनको कंबल का अगर दान करते हैं 25 दिसंबर को, तो ये काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। अगर आप पैसे के चक्कर में कंबल ना बांट पाएं तो बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़, बिस्किट या फिर कोई भी अन्य खाने की सामग्री दे सकते हैं। इससे आप अपने बच्चों के ना बल्कि आप अपने जीवन में रियल सेंटा बन सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, भगवान भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। वहीं आपको बता दें, गरीब बच्चों की मदद करने से भगवान भी हमारी मदद करते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर हम किसी की मदद करने के लिए आतुर हो जाते हैं तो इससे भी भगवान हमारा साथ देते हैं और हमें जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। इसलिए हमेशा गरीब लोगों की इस दिन आप अगर मदद करेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा, आपके जीवन की सारी बलाएं आपसे हट जाएंगी और नए साल में भगवान आपको बहुत कुछ प्रदान भी करने लगेंगे। वहीं आपको बता दें, अगर आप अपने जीवन में और ज़्यादा तरक्की चाहते हैं तो आप इस दिन बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को खाना खिला सकते हैं या दान कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही इस क्रिसमस वाले दिन आप अपने घर से कुछ भी ताज़ा भोजन बनाकर ले जाएं और रेलवे स्टेशन, सड़क या अन्य सड़क किनारे बैठे लोगों के लिए आप कपड़े भी दान कर सकते हैं या फिर उनको चॉकलेट या कोई भी छोटे मोटे खेल खिलौने देकर भी उनका उत्साह बढ़ा सकते हैं, उनको लाभ ज़रूर होगा। वहीं आप अगर उनको भोजन कराते हैं या उनको खाने के लिए कुछ भी चीज़ देते हैं तो आपको लाभ ज़रूर होगा, उनकी दुआएं आपके साथ होंगी, जिससे आपके जीवन में तरक्की होगी और आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को महसूस खुशी के साथ कर पाएंगे और माँ लक्ष्मी भी ऐसा करने से प्रसन्न हो जाती हैं और मनचाहा फल भी देती हैं। तो दर्शकों, आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।